सो जो टर्निंग सर्कल टू क्लासेस, चलिए ठीक है। सुजी भाई, हाँ हाँ संजीव भाई, कंट्रोल दे दो यार। सर, हाँ ठीक हाँ जूनियर में। हाँ ओके, थैंक यू। ओके, सो आई विल बी शेयरिंग द पेंट विथ यू। कहाँ गया पेंट? ऑलराइट, स्क्रीन दिखाई दे रहा आपके साथ, आप लोग सब लोग को? यस सर। यस सर। ओके, सो कल फिर से मैं वो पॉइंट्स लिख रहा हूँ। पहले क्या था, लोडेड था हमारा जहाज, दूसरा इवन कील पे था, तीसरा हमारा अपराइट था। मैं अपराइट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चौथा, वी वे कंडक्टिंग एट फुल स्पीड, वी वर कंडक्टिंग टू पोर्ट और टू स्टारवर्ड रादर, देन वी वर डूइंग इट इन ओपन वाटर्स, और हमने जूम किया था, हमारा फिक्स पिच प्रोपेलर है, राइट हैंडेड। सो अभी तक, अब कल हमने काफी कहाँ तक कर लिया था, लोडेड का कर लिया था हम लोगों ने, और लाइट का कर लिया था, इवन कील था, डाउन बाय हेड डाउन बाय स्टर्न कर लिया था, अपराइट का कर लिया था लेकिन फिर कर लेंगे आज, फुल स्पीड स्लो स्पीड में कर लिया था, स्टारबोर्ड पोर्ट कर लिया था, और ये करना है, ठीक है। सो नंबर 3 वाला जो है अपराइट वाला, उसको रिपीट करेंगे, एंड फिर ओपन वाटर्स एंड शैलो वाटर्स में, और उसके बाद फिर मैं आपको एक पीपीटी दिखा दूंगा। और भी चीजें हैं लाइट वेट में आपने स्पीड लॉस्ट नहीं बताया था। सर, वो अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। हाँ, वैसे स्पीड लॉस ना तुम्हारा, चाहे लाइट हो चाहे लोडेड हो, स्पीड लॉस आपका वही रहेगा। लेट से आपका जहाज ये है और ये आपने कर लिया स्पीड, राइट, इधर आ गए हो आप, इधर आ गए हो 90 और 180 पे, यहाँ पे 25% स्पीड लॉस हो रहा है, यहाँ पे 1/3 स्पीड लॉस हो रहा है। आपकी स्पीड, अगर आप लोडेड हो तो आपकी स्पीड थोड़ी कम रहती है ना, राइट, तो यहाँ पे 12 नॉट्स है तो आपका स्पीड लॉस लोडेड के हिसाब से हमने लिया था, लेकिन अगर आप लाइट में हो तो आपकी स्पीड नॉर्मली क्या रहेगी, 13 नॉट्स, 14 नॉट्स एट द मोस्ट, राइट, 1-2 नॉट ही तो ज़्यादा मिलेगा आपको, जो डिज़ाइन स्पीड होती है शिप की उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा ना। आपने यस सर। जो 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 मनूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उसमें जो डिज़ाइन स्पीड दी जाती है जहाज की, दैट डिज़ाइन स्पीड आपके लोड कंडीशन की होती है। अगर आप, जब आप उसमें आओगे ना, आगे फेस टू में जब आओगे, लंबा टाइम अभी, तो वहाँ पे एक क्लॉज होता है, उस पर लिखा होता है स्पीड अबाउट सो मेनी नॉट्स फुली लेडन, फुल
फुली लेडन मतलब फुल कार्गो के साथ इन गुड वेदर कंडीशंस अप टू एंड इंक्लूडिंग विंड फोर्स सो एंड सो ऑन द ब्यूफोर्ट स्केल ऑन ए कंजम्पशन on a consumption of about so many metric tons of fuel oil of so and so CST. अब CST समझते हैं आप, fuel oil का grade होता ना 180 CST, 380 CST ऐसे विस्कोसिटी होती है. सो ये लिखा रहता है उसमें कि वेसल जो है विल बी डूइंग अ स्पीड ऑफ लेट्स से 20 नॉट्स फुली लेडन मतलब फुली लोडेड इन गुड वेदर कंडीशंस अप टू एंड इंक्लूडिंग विंड फोर्स 3 ऑन द ब्यूफोर्ट स्केल ऑन ए कंजम्पशन ऑफ अबाउट 40 मेट्रिक टन्स ऑफ फ्यूल ऑयल ऑफ से 360 CST. ये लिखा रहता है चार्टर पार्टीज में, ठीक है. सो ये जो स्पीड दी होती है, जो डिजाइन स्पीड होती है, उससे ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते. जितने भी टेस्ट करते हैं, जो मैंने कहा ना आपने, ये जो आपको जो मैंने टर्निंग सर्कल बनाया था, मैंने कहा वो फुल स्पीड में जहाज जा रहा है, जो भी उसकी डिजाइन स्पीड है उस स्पीड में आ रहा है, ठीक है. तो इस टाइप का रहता है उसमें. तो जब आप लाइट होते हो तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाएगा. ओके, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है BHP. लेट्स से मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ. लेट्स से आपके पास 1000 BHP का इंजन है, ठीक है. होता है 10,000, 30,000, 40,000 का होता है, मैं 1000 का ले रहा हूँ एग्जाम्पल. 1000 BHP का इंजन है, आप खाली हो मतलब बैलेंस में हो, ठीक है. सारी की सारी जो इंजन पावर है वो स्पीड में चली गई और आपको लेट्स से 20 नॉट्स मिल रहा है. सारी की सारी है आपने स्पीड में दे दी. और यूजुअली हम लोग जब BHP 1000 होती है ना या 10,000, हम कभी भी 100% में नहीं जाते हैं. हम लोग जाते हैं 85% या 90%. और आपने ये टर्म सुना होगा MCR, मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग. इंजन को आप 100% पर चलाओगे ना तो आपके थर्मल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इंजन में, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर बढ़ने लगता है. सो कभी भी इसमें नहीं जाते हैं, 85-90% में जाता है. सो आपने 1000 BHP है, आपने 1000 पूरी BHP जो भी है आपके पास आपने दे दी सब स्पीड में, आपको 20 नॉट्स मिल रहा है. अब ये तो बैलस्ट का है, ठीक है. अब आपने समझो 30,000 टन्स कार्गो लोड कर दिया. अब इतना ही पावर है आपके पास, उसमें आपको स्पीड भी चाहिए, उसमें आपको ये एक्स्ट्रा वेट भी आ गया. तो ऑब्वियसली आपको जो अब जो स्पीड मिलेगी वो 20 नहीं मिलेगी, वो मिलेगी समवेयर अराउंड 18 नॉट्स और समथिंग, क्योंकि कुछ एनर्जी तो यहाँ चली गई है इस वेट को पुश करने में, बाकी की जो बनी है बची है वो स्पीड में चली गई. जैसे आप हो, आपको बहुत एनर्जी है, यंग मैन हो आप, खूब एनर्जी है आप में, ताकत है, आप भाग सकते हो. लेट्स से आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, राइट. अब अगर आपके उसमें
25-30 किलो का वजन रख देते हैं कंधे में आपके और आपको बोलते हैं भागो, तो आप 20 किलोमीटर की स्पीड अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, जो ताकत है, पार्ट ऑफ दी एनर्जी तो चले गई वो वजन उठाने में, और बाकी की जो एनर्जी बची है वो भागने के काम आ रही है, isn't it? So, वैसे जहाज की BHP तो फिक्स्ड है, फुली लोडेड है, तो कुछ एनर्जी तो यहाँ चली जाएगी, वो जो कार्गो लोडेड है, बाकी जो बचेगी वो उस पर चली जाएगी, ठीक है? There is something known as shaft horsepower. और ब्रेक हॉर्स पावर, ये तो वो है जो इंजन जनरेट कर रहा है, लेकिन आपका जो प्रोपेलर का जो शाफ्ट है, ये प्रोपेलर इधर में, यहां तक एनर्जी आने में थोड़ा सा बीच पर लॉस हो जाता है. सो जो BHP जनरेट हो रही है वो पूरी की पूरी यहां नहीं पहुंचती है प्रोपेलर में, बीच में लॉस भी होता है. एनीवे, ठीक है. सो कमिंग बैक टू दिस वन, यहाँ पे आपका जैसे स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई क्योंकि आप अब लाइट हो, स्पीड आपकी 14 नोट हो गई, स्पीड लॉस अगेन विल बी 25%. तो आपका अगर 14 है तो 14 का 25% 3.5 कितना हो गया, 3.5 नॉट कम हो जाएगा, और जब तक आप यहाँ 1/3 में आओगे तो आपका 1/3 लॉस हो जाएगा, ठीक है? एंड अगेन दिस इज व्हाट वी सेड अबाउट 25%. About 1/3. It is not exactly 25%. 22 भी हो सकता है, 23, 24, 25, 26, anything around that. ठीक है, so speed loss would be in the same proportion about. Okay, मैं किधर में था अभी? हाँ, upright condition में. Number 3 situation. सो यस्टरडे हम वहाँ तक पहुँच गए थे कि अगर आपका जहाज लिस्टेड है तो जिस साइड में लिस्ट होती है उस साइड में हिंडर करता है टर्न को, और जो साइड हाई साइड है उस साइड में टर्न करोगे तो टर्निंग सर्कल छोटा हो जाएगा. असिस्ट करता है हाई साइड की ओर, हिंडर करता है लिस्ट साइड की ओर. सो पोर्ट लिस्टेड है, पोर्ट को टर्न करोगे तो हिंडर होगा, मतलब टर्निंग सर्कल बड़ा हो जाएगा. स्टार्बर्ड को, पोर्ट को लिस्टेड हो, स्टार्बर्ड को टर्न कर रहे हो तो असिस्ट करता है. नाउ ओपन वाटर्स एंड शैलो वाटर्स. ओपन वाटर्स में जहाज यहां था और यहां से इधर आ गया, ठीक है, तो जो भी पानी यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा था वो सब जगह से भर जाता है, बहुत पानी है आउट एट सी, जहाज के नीचे से, साइड से, कि सब जगह से पानी भर जाता है ये वॉइड स्पेस को भरने के लिए. लेकिन शैलो वाटर्स में क्या होता है, डेप्थ कम होती है, पानी इतना ज्यादा नहीं होता है. सो इन शैलो वाटर्स क्या होता है, the water which is displaced by the vessel is not easily replaced. इतने आसानी से रिप्लेस नहीं होता है. तो यहाँ पे जो पानी डिस्प्लेस कर रहा था जहाज, इट इज नॉट ईजिली रिप्लेस्ड, क्योंकि शैलो वाटर्स में पानी कम है. तो क्या होता है, आपका जो प्रोपेलर है और आपका रडर है वहां पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. पार्शियल वैक्यूम, इसका मतलब सर, जब आप जहाज में यहाँ हो आउट एट सी, यहाँ से जब इधर आ रहे हो तो यहाँ पे क्या पीछे गड्ढा रह जाता है? नहीं नहीं, कौन पूछ रहा था रिप्लेस का मतलब? हाँ जी, हाशमी जी. सो जब आप यहाँ पे हो ओपन सी में, तो यहाँ से जब यहाँ आ गए तो पीछे गड्ढा नहीं रह जाता है,
यहाँ पे जो पानी डिस्प्लेस कर रहा था, जहाँ यहाँ पे शिप डिस्प्लेस कर रहा था ना पानी, जिस पानी को यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा था, जब आगे मूव करता है तो वहां पे सब जगह से पानी भर रहा, पीछे गड्ढा थोड़ी रह जाता है, सब जगह से पानी भरता है, तो वो पानी जो यहाँ पे है वो रिप्लेस हो जाता है, जो पहले वॉइड स्पेस थी जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वहां पे रिप्लेसमेंट हो जाता है, ये मतलब है। सो इन शैलो वाटर्स जो पानी डिस्प्लेस कर रहा था जहाज, जब जहाज आगे मूव कर जाता है तो वहां पे जो रिप्लेसमेंट होता है पानी का वो इतने आसानी से नहीं होता है, क्योंकि पानी कम है। तो आपका प्रोपेलर और आपका रडर दोनों पार्शियल वैक्यूम में काम कर रहे हैं, मतलब पानी कम मिल रहा है उसको। अब जब प्रोपेलर को पानी कम मिलेगा तो क्या होता है, वो पानी कम फेंकेगा, पानी कम फेंकेगा तो मतलब रडर पे भी कम पानी लग रहा है, आपका रडर स्लगिश हो जाता है। मतलब इफेक्टिवनेस रडर की किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे। अब क्योंकि शैलो वाटर में हो, पानी कम मिल रहा है, प्रोपेलर पानी कम फेंक रहा है तो स्पीड भी कम हो जाती है। शैलो वाटर में हो, इंजन में लोड पड़ता है, स्क्वाट कर लिया मैंने आपके साथ, नहीं सर नहीं क्या, सो स्क्वाट होता है शैलो वाटर में, तो स्क्वाट होता है उसकी वजह से भी स्पीड कम हो जाती है, फिर स्पीड कम हो जाती है क्योंकि लोड आता है इंजन में, आरपीएम कम हो जाता है, बाव वेव बढ़ जाती है, ठीक है, आगे से बाव वेव बढ़ जाती है तो मतलब रेजिस्टेंस मिल रहा है आगे से, तो उससे भी स्पीड कम हो जाती है। और रडर की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है स्पीड पे, स्पीड कम है तो रडर की इफेक्टिवनेस कम है, स्पीड ज़्यादा है तो रडर की इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, ठीक है। ओपन वाटर्स में, तो ओपन शैलो वाटर्स में द वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द वेसल इज नॉट ईजली रिप्लेस्ड, वाइब्रेशन हो जाता है। क्यों हो जाते हैं वाइब्रेशन, क्योंकि वैक्यूम है वहां पर, पार्शियल वैक्यूम है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप बैलेंस्ड में होते हो, मौसम खराब है और पिचिंग हो रही है, तो पिचिंग होती है तो प्रोपेलर पानी से थोड़ा सा बाहर आ जाता है पार्शली, और जब प्रोपेलर पानी से बाहर आता है तो वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। एक्सपीरियंस किया कभी मौसम जब खराब होता है तो प्रोपेलर रोलिंग पिचिंग हो रही है, और आप बैलेंस्ड में हो तो प्रोपेलर इधर से बाहर आ रहा है, पिचिंग में बाहर आ जाता है तो वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोपेलर को पानी नहीं मिल रहा है, हवा में है, वो आधा हवा में है और आधा पानी में है, तो वाइब्रेशन हो जाते हैं। वही चीज यहाँ भी होती है, वाइब्रेशन होते हैं क्योंकि पानी कम है। सो इफेक्टिवनेस ऑफ द रडर रिड्यूसेस, ठीक है, इफेक्टिवनेस रडर की कम हो जाएगी तो टर्निंग सर्कल डायमीटर दुगनी हो जाती है। सो शैलो वाटर्स में क्या होता है कि बिकॉज पानी कम है यहाँ पे, हम व्हाट वी आर डूइंग इज योर टर्निंग सर्कल कर रहे हैं, तो ओपन वाटर्स में तो बहुत पानी है, राइट। इन शैलो वाटर्स एक पानी कम होता है, स्पीड कम हो जाती है, रडर की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, स्क्वाट हो जाता है, स्क्वाट होने से पिवट पॉइंट पीछे को आ जाता है, पिवट पॉइंट पीछे को आएगा तो टर्निंग सर्कल डायमीटर क्या हो जाती है, हाँ जी टर्निंग सर्कल डायमीटर बढ़ जाएगा सर। हाँ, ये यहाँ पे हमने किया था ना ट्रिम, इवन कील और ट्रिम, तो जब शैलो वाटर में आप आते हो तो ट्रिम बढ़ जाती है, स्टर्न ट्रिम स्टर्न को बढ़ जाएगी तो पिवट पॉइंट पीछे आ जाता है, टर्निंग सर्कल डायमीटर बढ़ जाएगी। शैलो वाटर में आते हैं तो बाव वेव बढ़ जाती है, बाव वेव बढ़ जाती है मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो पिवट पॉइंट थोड़ा और पीछे हो जाता है, तो टर्निंग सर्कल डायमीटर और बढ़ जाती है। सो ओपन वाटर्स एंड शैलो वाटर्स,
तो ओपन वाटर्स में अगर आपका टर्निंग सर्कल डायमीटर ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे बोल्ड में दिखा रहा हूँ, ये अगर आपकी टर्निंग सर्कल डायमीटर है, इन शैलो वाटर्स योर टर्निंग सर्कल डायमीटर कैन बी समथिंग लाइक दिस, इवन मोर, ज्यादा भी हो सकती है, डबल तक, अब दुगनी तक हो जाती है। ठीक है, सो इन ओपन वाटर्स अगर आपकी टर्निंग सर्कल डायमीटर ये है जो रेड वाली पर दिखा रहा था, इन शैलो वाटर्स दुगनी हो जाएगी, अप टू टू टाइम्स हो जाती है, नॉट नेसेसरी टू टाइम, अप टू टू टाइम्स, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, रडर स्लगेश हो गया, पिवट पॉइंट पीछे आ गया, ट्रिम हो गया, स्पीड कम हो गई, इंजन में लोड आता है तो आरपीएम अपने आप कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है, रडर स्लगेश होने लगता है, तो आपने हार्डेस्ट आवर मार रखा है, रडर को तो इफेक्ट हो ही नहीं रहा है, उतना उतना असर नहीं आ रहा रडर का जो नॉर्मली आना चाहिए। ओके, सो दिस ये रीजन की वजह से ओपन वाटर्स में टर्निंग सर्कल डायमीटर आपकी डबल भी हो सकती है। ओके, सो ये आपके वो है। नाउ मैंने आपसे शुरू में पूछा था क्यों जरूरत है हमको ये दिखाने की, इतना इम्पोर्टेंट क्या है, एक आपने सही कहा कि यस हमको दिखाना है कि हमारा एडवांस कितना है, ठीक है, कितना मेरा जहाज आगे जाएगा, ठीक है, तो आई मस्ट नो कि इमरजेंसी में मुझे टर्न करना, तो यस कितना अथॉर्डशिप जाएगा इमरजेंसी में, तो मैंने अपना सीपीए कम से कम इतना रखना चाहिए, और लोडेड कंडीशन में सबसे बड़ा होता है ये तो आपको पता ही है, ट्रिम होगी तो और बड़ा होगा, तो आपने अपना सीपीए कम से कम इतना रखना चाहिए, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए आपका यहां से कोई जहाज आ रहा है ऐसे और राइट हैंडेड प्रोपेलर है, अगर आपका हाइड्रोलिक सिस्टम पीछे फेल हो गया, नॉट ऑटो पायलट, हाइड्रोलिक सिस्टम स्टीयरिंग फ्लैट वो फेल हो जाएगा, ऑटो पायलट फेल हो गया तो हैंड स्टीयरिंग में आ गया, उस पर हो गया तो आप रिमोट उस पर आ गए, इमरजेंसी में या टेलर पे आ गए, नॉन फॉलो अप में आ गए, स्टीयरिंग फ्लैट से करने लगोगे, लेकिन अगर हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हो गया पीछे तो आपका रडर विल गेट स्टक हार्ड स्टार्बर्ड, और स्टार्बर्ड है तो आप घूम जाओगे, आपका जहाज ऐसे घूमने लगेगा, और यहां से ये जहाज आ रहा है, यू माइट कोलाइड इन टू दैट शिप, या समझो इस जहाज का स्टीयरिंग फेल हो गया तो ये घूम जाएगा स्टार्बर्ड को, राइट, एंड ही माइट कोलाइड विथ यू, रिजल्ट कोलिशन, चाहे आपका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो स्टीयरिंग का या उसका फेल हो। सो सीपीए कम से कम आपने उतना रखना है जितना आपकी टीसीडी है, उससे ज्यादा ही रखो तो अच्छा है, ठीक है। सो दो चीजें मुझे पता चल गई, कितना एडवांस आगे जाएगा, कितना बीम में आएगा, उतना मुझे सीपीए रखना है। दूसरा चीज है कि मुझे अपना अबॉर्ड पॉइंट कहाँ पे रखना है, लेट्स से ये एक चैनल है, ठीक है, और मेरा कोर्स ऐसे आ रहा है, कुछ समझो ऐसे मैं चैनल में जा रहा हूँ, एंड लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे थोड़े से शोल्स हैं, ऑरेंज कलर से दिखा देता हूँ, ऐसे दिखा दिए कुछ आइलैंड्स है या कुछ शोल्स है, ठीक है, एंड लेट अस से कि ये जो आपके जो डिस्टेंसेस है, लेट से ये 1.5 नॉटिकल माइल्स है, ये लेट से 3.4 कर दो, इसको 4 नॉटिकल माइल्स कर दो, ऐसा सिंपल एक रफ फिगर, और आपका टर्निंग सर्कल डायमीटर है लेट्स से 0.8 नॉटिकल माइल्स, 0.8,
तो अपना अवार्ड पॉइंट कहां पर रखेंगे? अबाउट पॉइंट समझते? हाँ जी, हाँ सर, उसके बाद पीछे टर्न नहीं कर सकते आप। अच्छा, तो कहाँ पे रखना पसंद करेंगे आप? फॉर्मेट्स। हाँ जी सर, फॉर्मेट्स। यार थोड़ा जोर से बोलो यार, खाना खाके तो आवाज बढ़िया आनी चाहिए। फॉर्मेट्स पे। 4 miles पे, मतलब यहाँ कहीं पे ऐसे? यस सर। अच्छा, क्या कारण क्या है? क्यों रखेंगे सर यहाँ पे? अग्रवाल जी। यस सर। वहां पर रखने का कोई वजह है? ये सोच लो, यहाँ पे आपके ओरल्स भी चल रहे हैं। सर एक तो डिस्टेंस काफी है इसका यहाँ पे, और इजीली डिस्टेंस काफी है सर, 4 miles तो इजीली घूम सकता है, और अगर इन केस अगर कोई ट्रैफिक आउटबाउंड वेसल भी अगर हुआ। नहीं सर, कोई नहीं आउटबाउंड कुछ नहीं है, मौसम अच्छा खासा है, बढ़िया मौसम है, क्लियर विजिबिलिटी है, कोई आउटबाउंड नहीं है। हाँ जी रमनदीप। जल्दी बताओ यार, कहाँ पे रखोगे? रमनदीप। यस सर, आई एम थिंकिंग। हाँ, कहाँ पे रखोगे? रमनदीप, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। यस सर, ये 4 miles के पास ही रखूं। बट क्या कारण क्या है? सर लाइक सर्कल हो जाएगा फिर, बिकॉज 1.5 बहुत नियर है इसको। ओके ओके, सो आई विल कीप इट समवेयर Anywhere between here to here. यहां पे इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि मेरा टर्निंग सर्कल डायमीटर 0.8 है। अगर मुझे टर्न करना पड़ा यहां पे तो मैं ऐसे नहीं घूमूंगा, मेरा जहाज ऐसे घूमेगा। Why? Because I am in shallow waters. This is the reason. बॉयज हैं वहां पे, बॉयज है का मतलब यू आर इन शैलो वाटर्स, एंड शैलो वाटर्स में आपका जो टर्निंग सर्कल डायमीटर है वो दुगनी भी हो जाती है। देखने को बड़ा सही है कि 1.5 है, चलो ठीक है, अगर मुझे टर्न करना पड़ा तो मैं ऐसे निकल जाऊंगा, लेकिन जब आप टर्न करने लगोगे तो पता चला कि जी ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ये तो डबल हो रही है। सो इट इज ऑलवेज to be kept in mind कि in shallow waters your turning circle diameter double हो जाती है। अभी तो किया हमने ये सब, and this is the reason why we need to know कि हमारी TCD क्या है। Okay, so now this finishes with your turning circle. और भी factors होते हैं regarding this, थोड़ा मैं आपको PPT पर दिखाऊंगा। तो ये कारण है, एक हम मुझे मालूम होना चाहिए emergency में मेरा head कितना जाएगा, अभीम कितना जाएगा, एंड क्या कहते हैं CPA कितना रखना है, उससे ज़्यादा ही रखना है आपका, और शैलो वाटर्स में मुझे कहाँ पे अपना अबॉर्ट पॉइंट रखना है। ओके, नाउ आई विल
और भी चीजें हैं जैसे अंडर कील क्लियरेंस आपकी क्या है, स्क्वाट कैसा है, शेप ऑफ द बाओ कैसा है, तो ये मेरा शिप है और ये सब जो वाटर लाइन है, ठीक है, लेट्स से मेरा टर्निंग सर्कल जो भी है इस पर्टिकुलर शिप के लिए। अब अगर इसको मैं हल को ऐसा काट देता हूं, इतना एरिया काट दिया मैंने, तो मेरा टर्निंग सर्कल छोटा हो जाएगा क्योंकि इतना रेजिस्टेंस बच गया है। अगर मैं शेप और काट देता हूं, ऐसे काट देता हूं, इतना हिस्सा और काट दिया मैंने, तो मेरा टर्निंग सर्कल और कम हो जाएगा। और अब समझो मेरा यहां पर बल्बस बाव है, तो मेरा अंडर वाटर एरिया बढ़ गया, तो थोड़ा सा टर्निंग सर्कल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे। ऑफकोर्स बल्बस बाव होने से मेरे को स्पीड का भी फायदा मिलता है, रिजर्व बॉयंसी मिलती है, पिचिंग कम होती है, राइट तो मेरा बट अंडर वाटर वेटेड एरिया बढ़ गया है, तो मेरा टर्निंग सर्कल भी बढ़ जाएगा। सो शेप ऑफ द हल ऑल्सो मैटर्स, जिसको बोलते हैं द कट अप एरिया ऑफ द हल, राइट। नाउ यहां से हम हट रहे हैं एंड आई विल टेक यू टू द पीपीटी, थोड़ा सा पीपीटी में देखेंगे। Excuse me. हाँ जी सर, अबॉर्ट पॉइंट एक होता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है? सर एक से ज्यादा भी कर सकते हो आप, लेकिन एक और तो होता ही। इसको सर कंसीडर करते टाइम खाली टर्निंग सर्कल देखेंगे, जैसे जैसे 0.8 था तो 1.6 हो गया, तो चैनल में एंटर करने से पहले तो यस यू विल कंसीडर दैट। एक बार चैनल में आ गए, लेट्स से आप चैनल के अंदर घुस गए, नाउ इट इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यस दैट मींस अब आपको जाना ही है, लेकिन स्पीड कम कर दो। हो सकता है टग अवेलेबल नहीं है, हो सकता है वहां पे बर्थ अवेलेबल नहीं है, कास्ट ऑफ टीवी, या हो सकता है वहां कोई एक्सीडेंट हो गया हो। सो नाउ टर्निंग अराउंड इज नॉट पॉसिबल, नाउ यू कैन ओनली थिंक ऑफ प्रोसीडिंग एट स्लो स्पीड, वेटिंग टिल थिंग्स इम्प्रूव, और प्रोसीडिंग टू अ प्लेस वेयर यू कैन सेफली यू नो जस्ट ड्रॉप योर एंकर अंडर फुट, थोड़ा सा आधा शाकल एक शाकल ऐसा, बट यू कैनॉट टर्न अराउंड। ये हमने देख लिया था। हाँ एक चीज आपको बताना था, मैंने ड्रिफ्ट एंगल नहीं बताया मैंने आपको, जब जहाज टर्न कर रहा है, एक मिनट, एडवांस ट्रांसफर टैक्टिकल डायमीटर तो ये बता दी थी मैंने आपको, एक था हमारा ड्रिफ्ट एंगल, तो ये मेरा सर्कल बन रहा है और ये मेरा वेसल है, और जैसे मैंने आपसे कहा था द बाव ऑफ द वेसल विल ऑलवेज रिमेन इनसाइड द सर्कल, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है जहां पर मेरा पिविट पॉइंट है, ये जो सर्कल है ना, ये आपका पिविट पॉइंट बनाता है, और अब जहां पर ये पिविट पॉइंट है वो ये है, वहां पर मैंने टेंजेंट डाल दिया, ये है मेरा पिविट पॉइंट। पिविट पॉइंट पर मैंने ये टेंजेंट डाल दिया और ये सर्कल जो बन रहा है ये पिविट पॉइंट बनाता है। कुछ बुक्स में लिखा रहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाता है, विच इज नॉट करेक्ट, इट इज द पिविट पॉइंट विच इज मेकिंग द सर्कल। नाउ ये जो येलो लाइन और ब्लू लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, जिसको मैं पेंट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट एंगल। So drift angle between the fore and aft line of the ship and the tangent to the circle at the pivot point. Okay, that is what your drift angle is. Angle between the fore and aft line of the ship, that is the blue line,
एंड द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पिवट पॉइंट. पिवट पॉइंट पे टेंजेंट डाल दीजिए, वो है एंगल. नाउ When the ship is turning, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा रफ डायग्राम बनेगा ये. एग्जैक्ट डायग्राम तो तब बनेगा जब आप अपनी पेंसिल से कंपोजिट से बनाओगे. तो जब जहाज टर्न कर रहा है ऐसे, तो कहीं ना कहीं तो उसका सेंटर होगा. ओके, तो हमारा जो बाव है वो ऐसे टर्न कर रहा है, ठीक है, ऐसे रेडियस में. ऐसे लगा आप वैसे बनाओगे तो ज्यादा एक्यूरेट बनेगा. लेट मी सी इफ आई कैन मेक इट मोर एक्यूरेट. एक मिनट. ठीक है, तो वो कुछ ऐसे इस टाइप से बनेगा. वैसे ही ये आपकी फोर एंड हाफ लाइन है. ओके, अब सिर्फ बाउ टर्न नहीं कर रहा है, द एंटायर पिवट पॉइंट टर्न नहीं कर रहा है, एंटायर शिप इज टर्निंग. तो हमारा स्टर्न भी टर्न कर रहा है ऐसे, ठीक है. मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी टर्न कर रही है, वो ऐसे टर्न कर रही है. मेरा स्टर्न भी टर्न कर रहा है ऐसे, समथिंग लाइक दैट. मेरा बाव भी टर्न कर रहा है, बाव तो मैंने आपको दिखा दिया. सो एंटायर शिप इज टर्निंग, स्टर्न इज टर्निंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पिवट पॉइंट, और मेरा जो बाव है, बाव को मैं किससे दिखाऊं, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये भी टर्न कर रहा है वैसे. So, drift angle is the angle between the fore and aft line of the ship and the tangent to the circle. So, stern पे हमने ऐसे tangent डाल दिया. Stern पे भी तो circle बन रहा है, fore and aft line है, तो ये आपका drift angle हो गया at the stern. Center of gravity में भी एक tangent डाल देता हूँ मैं, ये यहाँ पे मेरा एक angle बन गया. फोर एंड हाफ लाइन और उसके बीच में टेंशन टू द सर्कल. पिवट पॉइंट पे भी सर्ट वो बन गया है, और यहाँ पे भी बाव में मैंने अपनी फोर एंड हाफ लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ एंड फिर मैं टेंशन डाल देता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे ड्रिफ्ट एंगल बन गया है. सो ड्रिफ्ट एंगल सबसे बड़ा जो होता है वो स्टर्न पे होता है, ठीक है. जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बाव की तरफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वो थोड़ा कम हो जाता है, पिवट पॉइंट पर निल हो जाएगा, नेग्लिजिबल होता है, निल ले लिए चलिए. एंड जैसे ही हम आगे पहुंचते हैं बाव पे, तो फिर आपका वो बढ़ जाता है, बट ऑन दी अदर साइड, स्टार्बोर्ड साइड में आ गया. सो ये डायग्राम खाली आपके ओरल्स के लिए, एग्जाम्स में बनाने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्स में खाली आप एक डायग्राम बनाएंगे ऐसे और सर्कल बना के यहाँ पे आपने वो डाल दिया और ये टेंजेंट डाल दी और ये दिखा दिया ड्रिफ्ट एंगल. अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये खाली समझाने के लिए है आपको, ओनली फॉर योर ओरल्स, कि ड्रिफ्ट एंगल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है. अगर पूछता है तो बोलो सबसे ज़्यादा स्टर्न में होता है, फिर उसके बाद पूछेगा तो, नहीं तो बस वहीं पे चुप हो जाओ. सो ड्रिफ्ट एंगल कहाँ होता है ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट इज एट दिस दिस थिंग. डोंट स्टार्ट सेइंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कम हो जाता है या पिवट पॉइंट पर निल हो जाता है, क्योंकि उसने पूछा नहीं है. जितना पूछा है उतना ही आंसर देना है. ओके, ट्रांसफर ये मैंने आपको बता दिया है, ये है आपका ड्रिफ्ट एंगल. ओके, फिर ड्रिफ्ट एंगल आपका ये है आपका जो मैंने आपको समझाया था, बट ओनली फॉर योर ओरल्स.
ओके, फैक्टर्स इफेक्टिंग द शिप हैंडलिंग क्वालिटीज, ड्राफ्ट का मैंने बता दिया, ट्रिम का बता दिया, लोडिंग मतलब वही है, लोडेड वेसल, पार्टली लोडेड वेसल, फुली लोडेड वेसल, ट्रिम का भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पिवट पॉइंट कहाँ हो जाता है, ट्रिम बाय, व्हेन द ट्रिम इज बाय स्टर्न, टैक्टिकल डायमीटर इंक्रीजेस बिकॉज द पिवट पॉइंट मूव्स आफ्ट, trimmed by the bows, the pivot point moves a little ahead, turning down the circle diameter will decrease. List, list ka kya asar hota hai isme? Is to hinder the turn in the direction of the list. Port list hai, to port ke direction mein hinder karega. And assist a turn away from it. Port list hai, port ko turn karoge, bada ho jayega. Aur starboard ko karoge, to chota ho jayega. So a list to port decreases the tactical diameter of a ship turning to starboard. Port list se starboard ke jo TCD kam ho jayega and vice versa. Speed, maine bata diya aapko, according to the speed, speed should not be less than 90%. Ye jab hum test kar rahe hote hain, jo humne full speed likha tha na, to 100% pe kabhi nahi karte, 85% 95% MCR मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग पर की जाती है टेस्ट, तो ये स्पीड का क्राइटेरिया उसमें। ओके, ऑफन हायर स्पीड में रिजल्ट इन अ ग्रेटर डायमीटर, टैक्टिकल डायमीटर ऑफ अ लोडेड वेसल विल बी ग्रेटर हाई स्पीड, मार्जिनली लेस इफ द स्पीड इज स्लाइटली रिड्यूस्ड, सो टैक्टिकल डायमीटर ऑफ अ लोडेड वेसल विल बी ग्रेटर एट हाई स्पीड एंड मार्जिनली लेस slightly reduced, मतलब more or less identical रहती है, कोई खास फर्क नहीं होता है। For a light vessel, TCD will be less if the speed is less and will increase if the speed increases. तो ballast में speed का फर्क पड़ता है, speed कम है तो TCD कम है, speed ज़्यादा है तो TCD जाता है, but loaded में marginally less, इसका मतलब more or less identical। रडर का डिज़ाइन, अब रडर का डिज़ाइन मतलब आपका जो हल है, ये आपका शेप आता है हल का ऐसे, यहाँ पे आपका प्रोपेलर है और यहाँ पे आपका रडर है, रडर और हल के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, अब रडर अगर आपका और भी बड़ा है, यहाँ से बड़ा है, तो इफेक्टिवनेस और भी ज़्यादा होगी। सो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द रडर एंड द हल, उसका भी फर्क पड़ता है। अरे यार आवाज़ आ रही है सर? सही। हाँ यार, ये मेरा स्क्रीन कभी कभी गायब हो जाता है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? यस। ओके, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। सो रडर डिजाइन क्या है? क्लियरेंस बिटवीन द रडर एंड द हल, इस पर भी डिपेंड करता है। स्मॉलर क्लियरेंस बिटवीन द रडर हल, मोर इफेक्टिव द टर्निंग एक्शन। तो रडर और हल के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो टर्निंग एक्शन आपका ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इफेक्ट ऑफ हल फॉर्म ऑन टर्निंग सर्कल, वो इसकी बात कर रहे थे, कटअप एरिया, हल का जो फॉर्म है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इफेक्ट ऑफ टर्न ऑन स्पीड, इफेक्ट ऑफ टर्न ऑन स्पीड, तो स्पीड आपकी कम हो जाती है, जब तक आप 90 डिग्रीज में आते हो, रैपिडली फॉल्स ऑफ, ठीक है। For alterations exceeding 90 degrees, continuously fall, but remain more or less steady. कहने का मतलब ये है कि for medium size ships, full speed lost about 1/4 of the original speed on turning through 90 degrees, and about 1/3 of turning through 180 degrees. उसके बाद more or less steady. Heel during the turn,
हाँ ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये लास्ट का रहेगा मेरे ख्याल से, इसको भी कर देते हैं। जब हम वो करते हैं हाई स्पीड में टर्न कर रहे हैं, लेट्स से मैं स्टारबोर्ड को टर्न कर रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, यस, ओके, यस सर। सो लेट्स से मैं फुल स्पीड में जा रहा हूँ और मैंने हाफ स्टारबोर्ड दे दिया, तो मेरा जहाज कहाँ को लिस्ट होता है? हाँ जी, पोर्ट को लिस्ट होता है। ओके, एनीवन एल्स? ओके, पोर्ट को लिस्ट होता है, वेरी गुड। सो यही हम कहते हैं ना कि जहाज में ध्यान दिया करो, जब भी कुछ होता है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, अपनी आंख कान खुले रखो। तो जब हम लिस्ट वो करते हैं, हेल्म देते हैं, मैं यहाँ पर दो इमेज बना रहा हूँ, ये आपका जहाज है इधर कहीं पे, और ये पीछे आप, अरे यार भाई सब लोगों स्क्रीन मेरा गया, आई हैव टू कम बैक अगेन, रिस्टार्ट करके आना पड़ेगा मुझे भाई, आपको आवाज़ तो आ रही है लेकिन फिर सर रुक के आता हूँ। हाँ जो रिस्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर, ओके सर, ये कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बार बार।
ओके एवरीवन, हाँ जी पहुंच रही आवाज? तो गाइस कैन यू हियर मी? यस यस सर। चलिए ठीक है, सो लेट मी जस्ट फिनिश दिस। तो ये मेरा जहाज है, कहाँ गया मेरा जहाज? 5-6 मिनट रह गए, 5 मिनट में हो जाना चाहिए। हीलिंग ड्यूरिंग द टर्न। सो ये मेरा शिप का मैं शेप दिखा रहा हूँ ऐसे, राइट? और ये वाटर लाइन है, यहाँ पर मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पिवट पॉइंट नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये पीछे मेरा रडर है यहाँ पे, ठीक है, रडर स्टॉक। और ये मेरा शिप है, ठीक है, पिवट पॉइंट आगे है, सेल कर रहे हैं हम, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में है। सो जब मैं फुल स्पीड में जा रहा हूँ और मैंने हाथ स्टार्बोर्ड मार दिया, ठीक है, तो मैंने हाथ स्टार्बोर्ड कर दिया ऐसे, इमेज वन इमेज टू को देखिए आप, मैंने हाथ स्टार्बोर्ड दे दिया, तो मतलब पानी का फोर्स यहाँ पे लग रहा है रडर पे, ठीक है, एंड टर्निंग लीवर है, एंड माय शिप स्टार्ट्स टू टर्न टू स्टार्बोर्ड। नाउ फोर्स कहाँ पे लग रहा है मेरा? इमेज वन में देखिए, पानी के नीचे रडर पे लग रहा है। जब हम रडर हाथ स्टार्बोर्ड डालते हैं या हार्ड पोर्ट डालते हैं, जो पानी का फोर्स लगता है वो किधर लग रहा है? रडर पे लग रहा है। तो मतलब ये पॉइंट फिगर वन में जो मैंने ब्लू दिखा रखा है, वहाँ पे फोर्स लग रहा है। और ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे लग रहा है, तो पहले स्टार्बोर्ड को लिस्ट होगा जहाज, ठीक है। तो मैं ये इमेज टू में दिखा रहा हूँ आपको कि जहाज कहाँ को लिस्ट हो रहा है, स्टार्बोर्ड को लिस्ट हो रहा है ऐसे, ओके। ये एक मेरा लैपटॉप का स्क्रीन समझो, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। अगर मैं नीचे से पुश लगा रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ नीचे को, तो ऊपर के हिस्सा मेरी तरफ टिल्ट कर जाएगा, सही है सर? मैंने फोर्स लगाया है अंदर की ओर, करेक्ट? यस यस। और अगर यही फोर्स मैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लगा रहा हूं, तो ऊपर का हिस्सा पीछे को जाएगा और नीचे वाला हिस्सा विल टर्न टुवर्ड्स मी, करेक्ट? यस सर, यस। ओके, सो यही चीज यहां भी होती है, फोर्स कहाँ लग रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे? अब क्योंकि यहाँ पर रडर फोर्स है और रडर पानी के नीचे है, तो जो इफेक्ट आ रहा है वो पानी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आ रहा है। तो फोर्स है, तो मेरा एक फोर्स लग गया है स्टार्बोर्ड साइड को, तो जहाज पहले स्टार्बोर्ड साइड को हील करेगा बिकॉज ऑफ रडर फोर्स। कौन सा फोर्स? रडर फोर्स। उसके बाद ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है या सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, उसकी वजह से फिर वो पोर्ट को लिस्ट करने लगेगा, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो रडर फोर्स से ज्यादा होता है, तो अब जहाज पोर्ट को लिस्ट करने लगेगा। इनिशियली कहां को लिस्ट करेगा? स्टार्बोर्ड को, बिकॉज ऑफ द रडर फोर्स, ठीक है। सो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपकी, स्टार्बोर्ड को लिस्ट कर रहा है पहले, और उसके बाद फिर पोर्ट को लिस्ट करने लगेगा, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन द रडर फोर्स। ये इमेज थ्री में दिखा रहा हूं आपको। अब आपने रडर को मिडशिप्स कर दिया, रडर को मैंने मिडशिप्स कर दिया इमेज टू में, तो ये जो रडर फोर्स है वो तो खत्म हो गया। इमेज थ्री में, इमेज थ्री में देखो,
ये रडर फोर्स आपने खत्म कर दिया तो क्या होगा, आपका जो पोर्ट की लिस्ट है वो और बढ़ जाएगी, इसन्ट इट? क्योंकि जो स्टारबोर्ड वाला फोर्स था वो तो आपने जो काउंटर फोर्स था उसको आपने हटा दिया, जैसे ही आप उसको हटाएंगे तो पोर्ट का लिस्ट और बढ़ जाएगी और धीरे धीरे करते, क्योंकि रडर मिडशिप्स में है, धीरे धीरे करते क्या हो जाएगा, जहाज फिर स्टेडी हो जाएगा और अपराइट हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसी जहाज में रडर मिडशिप्स है, विंड ब्लो कर रही है, विंड ब्लो कर रही है तो विंड कहाँ एक्ट कर रही है, अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे स्टारबोर्ड साइड से विंड आ रही है और स्टारबोर्ड साइड से विंड एक्ट कर रही है, जो फोर्स लग रहा है विंड का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लग रहा है, तो कहाँ को लिस्ट होगा जहाज? पोर्ट साइड। बस वही है, फोर्स लग रहा है, रडर फोर्स लग रहा है पानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे, तो स्टारबोर्ड को लिस्ट कर रहा है, फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर विंड का तो पोर्ट को लिस्ट कर रहा है। सो इनिशियल लिस्ट क्या होगा, इट विल बी टुवर्ड्स द साइड यू आर ऑल्टरिंग। स्टारबोर्ड को ऑल्टर करो तो स्टारबोर्ड के साइड को लिस्ट होगा, पोर्ट को करोगे तो पोर्ट के साइड को लिस्ट होगा इनिशियली ड्यू टू रडर फोर्स। देन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज ग्रेटर देन द रडर फोर्स, आप पोर्ट को लिस्ट करेंगे। उसके बाद जब आप रडर मिडशिप्स कर देते हैं तो रडर फोर्स आपने हटा दिया, मतलब वो जो स्टारबोर्ड को जो फोर्स लग रहा था वो आपने हटा दिया, तो जहाज और लिस्ट हो जाएगा पोर्ट को। जैसे आप लोग रस्सा खींच कर रहे हो, दोनों साइड से रस्सी खींची जा रही है, दोनों लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक साइड वाला अगर छोड़ देगा तो दूसरी साइड क्या होगा, गिरेंगे ना, दूसरी साइड को फोर्स बढ़ जाता है ऑल ऑफ अ सडन। सो वैसे यहाँ पे है, एक साइड का फोर्स आपने कम कर दिया, हटा दिया बिल्कुल, तो लिस्ट पोर्ट की और बढ़ेगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जहाज अपराइट हो जाएगा। ओके, सो मैं इसको रब ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पे ये क्या लिख रहे हैं कि Initially, when the will, this thing vessel will heel inwards. Inwards means towards the direction, because the rudder force is acting on a point below the center of gravity. As the ship begins to turn, the centripetal force, which is greater than the rudder force, overcomes the tendency to heel inwards and causes her to heel outwards, other side mein. और ये बहुत noticeable होता है जब हाई स्पीड में आप टर्न कर रहे हो। इफ द व्हील इज ईस्ट क्विकली, अब आपने रडर को मिडशिप्स कर दिया, द आउटवर्ड फोर्स विल इंक्रीज, जो हील है आपकी पोर्ट की लिस्ट है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज द काउंटर एक्टिव रडर फोर्स इज रिमूव्ड, वाइल द सेंट्रीपिटल फोर्स तो अभी भी है। ओके, सो दैट इज व्हाई। सो ये आपका और एक क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन से सर, एडवांस ट्रांसफर, टैक्टिकल डायमीटर, ड्रिफ्ट एंगल, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, स्पीड का क्या इफेक्ट पड़ता है टर्निंग सर्कल डायमीटर में, ट्रिम का क्या असर पड़ता है, लिस्ट का क्या पड़ेगा और शैलो वाटर का क्या पड़ेगा। व्हाई डज द टर्निंग सर्कल डायमीटर इंक्रीज इन शैलो वाटर्स, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टर्न ऑन स्पीड, कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपका स्पीड का क्या में क्या असर पड़ता है टर्निंग से, उसमें टर्न जब आप टर्न करो तो स्पीड कम हो जाती है 25% और 1/3 हो जाती है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टर्न ऑन स्पीड, एक्सप्लेन द हीलिंग ऑफ द वेसल ड्यूरिंग टर्न, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग हैंडलिंग क्वालिटी। Caution with the following question. The effect of speed on turn.
स्पीड कम है तो टर्निंग सर्कल डायमीटर कम है, स्पीड ज़्यादा है तो टर्निंग सर्कल डायमीटर ज़्यादा हो जाती है। इफेक्ट ऑफ टर्न ऑन स्पीड 20% 25% और 1/3। सो स्पीड, क्वेश्चन को एक बार फिर देखे, स्पीड ऑन टर्न, टर्न ऑन स्पीड, वर्ड बदल दिया बस आंसर बदल जाता है। ओके सर, चलिए दैट्स इट, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हां नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो। हाँ जी, अब सबकी आवाज़ निकल रही, चलिए ओके।